डरा दिया आपने तो मुझे। ये बैग तुमने किससे छीना है? कसम से कि भाई मैंने छीना नहीं है। तो कोई तुम्हें गिफ्ट दे के चला गया क्या? यार मुझे गली में पड़ा हुआ मिला है। और तुम इसे उठा के घर ले आयो? अरे भाई अल्लाह की जमीन पे पड़ा हुआ था, मैंने किसी के घर से चोरी थोड़ी की है। अहमक इंसान, इस बैग में कोई खतरनाक चीज भी हो सकती है। हाँ तो कोई सांप छुपा बैठा होगा। अरे क्या हो गया आपको? ऐसे हमारा बैग में कोई शैतानी चीज भी हो सकती है। उसमें बंदर की खोपड़ी हो सकती है। नहीं बंदर की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी तो तुम्हारे जिस्म पे लगी हुई है ना। मैं ये बैग खोल रहा हूँ, इसमें कोई खतरनाक बम भी हो सकता है। भाई इस बैग का क्या करें? जहाँ से उठाए वहीं फेंकाओ। अरे आप तो बेवकूफ हैं और ये सारी दुनिया जानती है। और तुम हराम माल खाने वालों में सरे फहरिस्त हो। जो भी बैग से निकलेगा आधा आधा कर लेंगे। नहीं, पहले अम्मी और वरदा से मशवरा कर लेना चाहिए। अरे अम्मी को सारे पैसे हड़प कर जाएंगी। तुम्हारा ख्याल है इस बैग में पैसे, ज्वेलरी भी हो सकती है और कोई बॉम्ब भी हो सकता है। तो बुला के लाए ना अम्मी और वरदा को। तुम अम्मी को बुला के लाओ, मैं वरदा को बुला के लाता हूँ। मैं बैग लाया हूँ, ये चोरी नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी तरह बेईमान नहीं हूँ। फिर किस तरह की बेईमान हो? रिजवान कंगले की तरह। ए बात सुनो, जाओ जाके अम्मी को बुलाओ। तुम एक काम करो, वरदा को बुलाओ। नहीं यार कि भाई सही कह रहे हैं, लालच बुरी बला है। सबको आने दो फिर फैसला करेंगे। नॉक करके आना चाहिए। अरे मैं आपका बेटा हूँ। तो बेटों को माँ का अदब करना मना है क्या? नोट गिन रही है। नजर मत लगाओ। अरे मैं गिन देता हूँ, कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी। जब भी तुमसे नोट गिनवाती हूँ ना, दो चार नोट तो कम होना कोई बड़ी बात नहीं। अरे कोई फर्क थोड़ी पड़ता होगा, आपके पास दौलत इतनी है। क्या करने आयो ये बताओ। आपसे मशवरा। तुम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उसकी फीस मैं नहीं दे सकती। हो गया मशवरा, गो। अरे नहीं भाई, मुझे बाहर गली में एक बैग पड़ा मिला है। बैग नोटों से भरा हुआ, जल्दी से लेके आ जाओ, मेरे पास किसको बताना नहीं। अरे मैं बैग अंदर लेकर आ चुका हूँ, लेकिन अक्की कह रहे हैं कि उसके अंदर बम भी हो सकता है। बम? हाँ हो सकता है, या हो सकता है कि उसके अंदर कोई कीमती चीज हो। तो खोल क्यों नहीं रहे? अरे अगर उसके अंदर कोई बम हुआ तो मैं शादी के बगैर मारा जाऊंगा। शादी करो या ना करो, मारा तो तुमने जाना है। अरे यार क्या बात कर रही है भाई, जाके डिस्कस कर लेते ना उनसे। अच्छा इधर आओ, ये लो पैसे। यार हूँ मैं तुम्हारी। सॉरी सॉरी, चले ना, हटो उधर मुकर। अगर वो बैग लेकर आया भी है तो मैं क्या करूं? तो मशवरा दोगी ना कि हम बैग का क्या करें? पहली बात तो ये कि जमीन पे गिरा हुआ बैग वो लेकर ही क्यों आया? तो क्या ऐसी लावारिस छोड़ देता? अरे वो एक बैग है, कोई इंसान नहीं। हम चाहते कि वो बैग सब घर वालों के सामने खुले, कि बाद में तुम ये ना बोलो कि किसी भी एपिसोड की सिचुएशन मेरे ऊपर नहीं रखी जाती। और अगर कोई एपिसोड मुझ पे लिखी भी होती है ना, तो उस हाथी के बच्चे मेरे बॉस को उस एपिसोड में घुसा देते हैं। असल में तो हीरो मैं हूं ना बेबी। तो फिर जाओ, जाके हीरोगिरी करो और उस बैग को खुद ही खोलना। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। क्या है बोलो। मैं हीरो और तुम हीरोइन, इसलिए तो तुम्हें हर हाल में मेरे साथ रहना पड़ेगा ना बेबी। हकी तुम क्यों मेरी छुट्टी बर्बाद करने पे तुले हो? अब कुछ नहीं होगा बेबी, इस बैग में इंशाल्लाह कोई कीमती चीज ही निकलेगी। और स्वीट उसमें से मुझे हिस्सा देगा है ना? मेरी हाफ हाफ की बात हुई है। अच्छा खुद हाफ रखोगे और स्वीट को हाफ दोगे, और मेरा क्या करोगे? हम दोनों तो एक ही यूनिट है, तुम्हारा हाफ मेरे हाफ में से ही होगा ना। चलो भाई, एक तो तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा। ये तो बड़ा आम सा बैग लग रहा है। अम्मी आम बैग्स में ही ना लोग खास और महंगी चीज रखते हैं। लेकिन ये किसने कहा है कि इसमें से सांप भी निकल सकता है? अक्की ने। अक्की ने जिंदगी में कभी कोई सांप देखा भी है? देखा है। कहाँ है? इस घर में ही देखा है। इस घर में सांप है? अब अक्की झूठ मत बोलो। बेबी मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सांप बहुत जहरीला भी है। इनका इशारा मेरी तरफ है अम्मी। है या नहीं पूरा बना बनाया सांप? अरे ये सब बातें छोड़े, बैग का क्या करना है ये सोचे। सोचना क्या, खोल के देखो। ठहरो मैं खोलती हूँ। कोई बम भी हो सकता है। अम्मी देखिए ऐसा वाकई हो सकता है। अब फिर तो इसे अक्की खोलेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है लेकिन फिर इसमें जो कुछ भी निकलेगा वो मेरा होगा। हमारा, हम एक यूनिट है ना। जी नहीं, हाफ हाफ होगा। अच्छा तो हम दोनों क्या तमाशा देखने आए? मेरा मतलब है अम्मी जान चार हिस्से होंगे। चार? हाँ चार हिस्से होंगे, चार। फिर ठीक है, खोलो अक्की बैग। नहीं नहीं अक्की, फट जाएगा, बम फट जाएगा। तो तुम बेवा हो जाओगी। कोई बात नहीं, उसका इंतजाम हो जाएगा, दूसरा घर जमाई ढूंढ लेंगे। अम्मी जान आपके इंसानियत से गिरे जुमले सुनकर क्या करोगे? ये बैग मैं खोलूंगा। कुछ नहीं हुआ। अरे साइड वाली जेब चेक करें ना, ये वाली इसमें नोट होंगे यार। तुम्हारे वजूद से कभी इस घर को कोई फायदा पहुंचा है? फायदे की क्या बात करते हो, उल्टा नुकसान पहुंचा इससे। अरे इसमें किसी की जरूरत का सामान लग रहा है, इसे वापस करके आओ। अरे मुझे क्या पता किसका बैग है। मुझे लग रहा है सईद मिर्ची, अगर सईद मिर्ची हुआ मैं तुम दोनों को आज नहीं छोड़ूंगा। मैंने क्या किया? देख भाई मेरा मीटर बहुत घुमा वैसा घुमावा था। आप करो, आपकी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है आपसे ज्यादा शरीफ और नफ्स कोई इंसान ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बहराम है सुना? जी जी सुन लिया। आपका नाम भरम है? बहराम,
बहराम। सॉरी सॉरी बहराम बहराम। मेरा एक बैग गली में गिर गया था। वो बैग आपका? कौन सा बैग? जो स्वीट गली से उठा के लाया, वो चेक प्रिंट वाला। हाँ बिल्कुल वही बैग। भाई जान वो तो आपकी अमानत हमारे घर पड़ी है, आप ले जाओ ले जाओ। गली के कुछ लोगों ने यही बताया, वो लड़का मेरा बैग इसी घर में लाया। बिल्कुल सही कहा है, गली वाले झूठ नहीं बोलते। अब अंदर चलो। वैसे आपका नाम बहराम आपके माँ बाप ने रखा है? नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने। आप मेरे माँ बाप को भी जानते हैं? वाह भाई वाह। भेज चल अंदर, दिमाग की दही ना कर। चल चलो चलो चलो, आजा आजा, दरवाजा हम बंद करते हैं। पता नहीं किसका है। आइए आइए भाइयों बहनों माओ, ये बहराम भाई है और ये बैग इनका है। ये बैग आपका है? और क्या तुम्हारे पापा का है? तुम लेकर आए थे इसे घर में? मैं तो मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया। गली वालों ने बताया कोई लड़का था जो मेरा बैग इस घर में लेकर आया है। हाँ तो ऐसी कौन सी कीमती चीज है इस बैग में जो इतना तड़प रहे हो तुम? हाँ अपना बैग उठाओ, चलते फिरते नजर आओ। ऐसे कैसे चला जाऊँ? इस बैग में मेरे 20,000 रुपए और कीमती कागजात है। कितना झूठा इंसान है ये। लोगों ने बैग खोल के देखा है? नहीं नहीं, हाँ वो इसलिए देखना पड़ा कि हमने समझा कि इसमें कोई बम ना हो। मैं तो ना मेरे 20,000 है ना मेरे कागजात, यकीनन तुम लोगों ने निकाल लिए। वापस करो वरना मैं अपनी पिस्तौल निकाल लूंगा। पानी की असली, इससे खोपड़ी उड़ जाती है। लेकिन आप तो पिस्तौल निकाल ही नहीं सकते, पिस्तौल दिखाने में सेंसर लग गया टीवी पे। सेंसर तुम लोगों पर लगा हुआ है, मुझ पर नहीं। मेरे पैसे और कागजात निकालो। मेरा तो इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो जा रही हूँ। मेरा भी वैसे इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है, बैग तो स्वीट उठा के ले आता, मैं जा रहा हूँ। अक्की भाई मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? ये औरत तुम्हारी माँ है? जी 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 मेरी अम्मी है। बस तो अब पैसे और कागजात आप देंगी। गब्बर सिंह ये बैग जो है ये स्वीट उठा के लाए थे, इसलिए इसे अच्छी तरह से पूछना, मैं जरा आती हूँ। अम्मी मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है, ये मुन्ना मुझे गोली मार देगा। चल भाई स्वीटी अब तू निकाल मेरे पैसे। अरे भाई मैं कहाँ से निकालू, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो फिर तू मेरे साथ चलेगा। पैसे लेने? 20,000 के बदले पूरा महीना तुझसे घर की सफाई करवाऊंगा, सब पोछा टाकी तुझसे भरवाऊंगा। और कागजात के बदले? नए कागजात बनाने में 10,000 लग जाएंगे, उस हिसाब से तू 1.5 महीना मेरे घर में रहेगा और 1.5 महीना मैं तुझसे लैट्रीन साफ करवाऊंगा। बड़े भाई मेरी बात सुनिए, मैं अपनी अम्मी से बात करके आता हूँ, वो पक्का दे देंगी, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ वो पैसे दे देंगी। चल जल्दी जा, मैं यहीं बैठा और मेरी पिस्तौल भी। ठीक है भाई। चुबाले चुबाले बहराम खान आपके बेटे को लेके जा रहा है। लेके जा रहा है कहाँ? अरे वो शख्स मुझे अपने घर लेके जा रहा है, 1 महीना काम करवाएगा और डॉक्यूमेंट के 10,000 रुपए लगेंगे, अगर 10,000 रुपए नहीं दिए तो 15 दिन और काम करना पड़ेगा। हाँ लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम काम से लग जाओगे। पागल हो गए क्या? वो मुझे गुलाम बना के रखेगा। पागल? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और वैसे भी मैं अब सिर्फ दुआई कर सकती हूँ। आपको पैसे से प्यार है, बेटे से प्यार नहीं है? नहीं मेरे बेटे मेरी जान, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं खुद ये चाहती हूँ कि बहराम तुम्हें लेके जाए, तुमसे काम कराए, ताकि तुम इंसान के बच्चे तो बनो। अरे मैं बचूंगा तो इंसान का बच्चा बनूंगा ना। अब ऐसा जालिम इंसान भी नहीं है वो। अरे वो हंटर मर मर के मुझसे काम करवाएगा, जैसे फिल्मों में बच्चों पर जुल्म करके दिखाते हैं। तो खा लेना 2-4 हंटर बेटा, अच्छी बॉडी बन जाएगी तुम्हारी। अरे अम्मी से 20,000 रुपए तो चाहिए, आपके पास इतने पैसे? मेरे पास कहाँ है पैसे बेटा, इतनी महंगाई हो गई, वैसे गुजारा इतना मुश्किल हो गया है। अम्मी प्लीज ऐसा ना करें। क्यों ना करूं बेटा, मजबूरी है। अरे यही दौलत सांप और बिच्छू बन के आपको कब्र में काटेंगे। मेरे पास पैसे है ही नहीं। मैं जा रहा हूँ। मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है, वो बैग हमारे घर में उठा के लाया ही क्यों, और उसमें से 20,000 रुपए निकाल लिए और हमसे झूठ बोल रहा है। एक चवन्नी भी नहीं दूंगी उसे। That's the spirit, my baby. तुम्हें बहराम खान अपने साथ लेके जा रहा है ना? तुम्हें कैसे पता? जाहिर सी बात है, तुमने उसके पैसे ही नहीं दिया, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। मेरे पास पैसा नहीं है। झूठ मत बोलो, तुमने पहले ही पैसे निकाल लिए होंगे। अरे कसम ले लो मैंने नहीं निकाले। तो क्या हमने निकाले? अरे किसी ने नहीं निकाले, लेकिन तुम लोग मेरी मदद तो कर सकते हो। जाओ जाके अम्मी से मदद मांगो। अम्मी तो अपने पैसों पे नागन बन के बैठी हुई है। स्वीट तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं अपनी पूरी तनख्वाह अम्मी को दे देती हूँ। अरे यार वरदा सिर्फ 30,000 रुपए चाहिए। 30,000 रुपए क्यों? बैग में तो 20,000 रुपए थे, 10,000 ही मारना चाहता है। अरे नहीं वो डॉक्यूमेंट्स के बदले 10,000 रुपए मांग रहा है। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए है? अरे भाई नए डॉक्यूमेंट्स बनाना है, जब भी 10,000 रुपए लगेंगे। मेरे पास 30,000 भी नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है कि तुम उसके साथ चले जाओ। अरे नहीं वो मुझे काम करवा के मार डालेगा। अरे काम करने से कोई नहीं मरता, काम ना करने से लोग मरते हैं। अक्की भाई क्यों बदले पूरे कर रहे हो? क्या बदले भाई, वो बंदा तुमसे काम कराएगा तुम महसूस करोगे। अरे वो तो शक्ल से ही खतरनाक आदमी लग रहा है। हो सकता है कि बलूचिस्तान में उसकी सोना निकालने की काने हो। अरे वाह तुम्हारे तो मजे आ गए। अरे क्यों मजे, सोना निकाल के खाऊंगा क्या? मेरा इस घर में कोई नहीं है, मैंने देख लिया, मैं चार हूँ। क्या हुआ नए पैसे? बहराम भाई बुरे वक्त में तो साहब भी साथ छोड़ देता है। छोड़ता तो छोड़ दे, नए का क्या करना है?
मेरा मतलब है कि बुरे वक्त में तो अपने भी पराए हो जाते हैं। मतलब तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन ने तुम्हें ठेंगा दिखा दिया। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने आपका बैग उठा के सबसे बड़ी गलती कर दी। सारे पैसे तुमने रख लिए या आपस में बांट लिए? भाई पैसे तो निकले ही नहीं। और कागजात? भाई कागजात भी नहीं निकले, लेकिन सारे घर वाले इस बात पे एग्री थे कि जो भी निकलेगा वो बराबर तकसीम होगा। इसका मतलब है तुम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। बस बस तू अभी जा और सबको यहाँ लेकर आ। ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। ड्रामे मत करे, मुझे पता अपनी सॉरी। क्या है भाई नींद खराब कर दी सारी। आप मुझे फंसा के चैन की नहीं सो सकती। क्या कर लोगे तुम? मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा वो बहराम खान करेगा। क्यों भाई, बैग मैं तो नहीं उठा के लाई थी। अरे बैग आप नहीं लेकर आई, लेकिन ये तय पाया था कि जो भी उस बैग में से निकलेगा वो बराबर तकसीम होगा। अच्छा ऐसी तो कोई डील मुझे याद ही नहीं आ रही। ठीक है फिर मैं बहराम खान को कह देता हूँ कि अम्मी के पास 10-20 हज़ार रुपए नहीं बल्कि उनकी कबड़ में 2-3 लाख रुपए पड़े हैं। घटिया हरकतों में ना बिल्कुल अपने बाप पे गए तो। बाप पे नहीं, मैं अपनी माँ पे गया, मतलब बाप पे। और अगर मैं ना जाऊँ तो? तो फिर वो आपके कमरे में आएगा, या तो आपसे पैसे ले लेगा या फिर आपको गोली मार देगा। अच्छा बाबा डरा क्यों रहे हो, चलो मिल लेती हूँ उससे चल के, मेहमान है आखिर, मेहमानदारी तो करनी पड़ेगी। मेहमानदारी करनी पड़ेगी, ज़ाहिर लाजमी होगी। अब तो बेबी अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, स्वीट जाने और बहराम खान जाने। जल्दी से ये कुर्सी भी रख दो, कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। स्वीट में इतनी ताकत थोड़ी जो वो दरवाजा तोड़ दे। लेकिन कहीं वो बहराम कौन कौन? अरे खोलो यार, मैं हूं स्वीट। हम सो रहे, बल्कि सो चुके हैं। अच्छा और मुझसे बातें तुम्हारे अब्बू कर रहे? मैं नींद में बातें कर रहा हूँ। मजाक ना करें, मामला सीरियस हो गया। हाँ हाँ हम भी बहुत सीरियस हो गए। किस चीज के लिए? सोने के लिए भाई। यार सोना कहाँ से आ गया बीच में? यार तुम हमारी नींद ना खराब करो, जाओ यहाँ से भाई, माफ करो। अरे दिन में सोने का कौन सा टाइम है? अक्की भाई नहीं खोलो दरवाजा, अभी बहराम खान आएगा, गोली मारेगा लॉक पे, अंदर घुस जाएगा कमरे में। ये बहराम खान हमारे कमरे में क्यों घुसेगा? क्योंकि उसकी बैग में से निकलने वाली रकम के हम सारे हिस्सेदार थे। लेकिन बैग से तो सिर्फ ठेंगा निकला है ना, गंदे कपड़े वगैरह निकले थे बस। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, बहराम खान आके आपसे खुद बात कर लेगा। तो आप लोग मेरे माल का बंटवारा करने वाले थे? अल्लाह की कसम वो स्वीट को गलतफहमी होगी, वरना हमने तो सोचा था बैग में से जो भी कीमती चीज निकलेगी ना वो जाके मालिक के हाथ में देंगे खुद। अच्छा आप झूठ बड़ी दिलेरी से बोलती हैं। बस क्या करूँ, सच नहीं बोला जाता। लगता है सच बोले हुए 2-4 सदियां बीत चुकी है। राम भाई मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन उन लोगों ने लॉक किया हुआ है, मैं क्या करूं? लेकिन मैंने इनको कह दिया है कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो बहराम भाई दरवाजे पे गोलियां मार मार के लॉक तोड़ देंगे। अच्छा मैं आपको एक बात सच सच बताती हूँ, असल में आपका माल हड़प करने का आइडिया भी उन दोनों का ही था। फिर झूठ? एक्चुअली ना ये अम्मी ने कहा था, इसने बैग खोला था, अम्मी ने कहा था इसमें से जो कीमती चीज निकलेगी ना वो सब हम आपस में बांट लेंगे, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी वाइफ। किसने खोला था बैग? अक्की भाई ने खोला था। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को खतरा था कि इसमें कोई बम बम ना हो। ओए मुझे तुम लोगों की बेईमानी की दास्तानें नहीं सुननी, मुझे मेरे पैसे और कागजात वापस चाहिए वरना एक एक को गोली मार दूंगा। अम्मी जान ये ना हमें हल्का ले रहे, ये हमें जानते नहीं है कि हमारे आगा मामू ने इन जैसे कितनों को इनकाउंटर में मार दिया। उस आगा टोचे की बात कर रहा है, तो जानी कैसे जो जूते साफ करता है मेरे। उफ अल्लाह बहुत बड़ी फेंक दी है भाई, उठाना भी मुश्किल हो रहा है। अब तो तुम सबको मैं गोली मार कर फेंक दूंगा। एक मिनट बहराम भाई, हम लोग जरा बाहर जाके मशवरा करना चाहते हैं। कर लो मशवरा, कहीं बाहर से बाहर नहीं हो जाना वरना मैं तुम्हारा घर उठा के ले जाऊंगा। लगता है हमें लॉन में जाके अपनी गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए। तो चलो ना। ओए गोल मेज कॉन्फ्रेंस ही करना, कहीं खुद ना गोल हो जाना। नहीं नहीं हम अभी आ रहे हैं, हम साफ शफाफ लोग हैं। आजे आजे अरे उधर मरो, इतने सारे एपिसोड्स हो गए अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कैमरे को पीट नहीं देते हैं। सॉरी। अरे सॉरी छोड़ो, ये बताओ इस बला से कैसे जान छुड़ाई जाए? इस बला को घर लाने वाला स्वीट है, पैसे इससे निकलवाएं। अरे मुझसे क्यों पैसे निकलवा रहे, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कहाँ से दूंगा पैसे? आप दोनों ना अमीर पार्टी है, 30,000 रुपए तो है, जान से बढ़ के थोड़ी है। लेकिन जब उस बैग में से पैसे और कागजात निकले ही नहीं तो हम क्यों दें? बिल्कुल ये तो साफ गुंडागर्दी है। बेबी इस बैग को हम सबने लालच की नजरों से देखा, किसी ने ये नहीं सोचा अगर कोई कीमती चीज निकल आई तो उसके मालिक को वापस कर देंगे। मैंने सोचा था और फिर आप पे शैतान हावी हो गया है ना। हम में से किसी की भी नीयत ठीक नहीं थी। अब नीयत ठीक नहीं थी इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज मिली नहीं वो भी वापस कर देंगे। बेबी मुझे ये बहराम काफी खतरनाक लग रहा है। काफी? अरे बहुत खतरनाक आदमी है वो। मैं समझ गई, तुम दोनों ये कहना चाह रहे हो कि हमें 30,000 दे के जान छुड़ा लेनी चाहिए। लेकिन कान खोल के सुनो, मैं अकेली 30,000 देने वाली नहीं, मेरे पास 5,000 है। थैंक यू अक्की भाई, आप दोनों से तो अच्छा है। अक्की भाई है मेरा भाई, मेरी जान देखिए, मेरा वक्त पे साथ दे रहा है और आप दोनों मुंह फेर लेते हैं। अच्छा ठीक है 10,000 मेरी तरफ से। लो
मतलब 15,000 मेरे ऊपर आएंगे। अम्मी जान अब और कोई रास्ता नहीं है। ये पैसे ना तुम्हारी पॉकेट मनी में से काटूंगी, और वो भी पॉकेट मनी इतनी है कि अगर पैसे कट गए तो सिर्फ चिल्लर बचेंगे। तो अच्छा है ना, वो लेके चौरंगी पे जाना, अच्छी खासी भीख मिल जाएगी। अरे अम्मी, जो हम इसको भिखारी कोर्स करवाने वाले थे उसका क्या हुआ? अरे बातें बाद में कर लेंगे, पहले चल के बहराम के भरम को ठंडा करते हैं। हाँ भाई, क्या मशवरा किया तुम लोगों ने? वो हमने फैसला कर लिया कि हम आपके पैसे दे रहे हैं। ये रहे मेरी तरफ से 5,000 रुपए। मैं भी पैसे लेके आती हूँ। हाँ, और मैं भी अपने कमरे से पैसे निकाल के आती हूँ। मैंने कोई 8-10 करोड़ तो नहीं मांग लिए जो इतना चंदा इकट्ठा कर रहे हो? यार बहराम भाई, जैसे भी कर रहे कर तो रहे ना। हाँ हाँ, मैंने कब बोला कि नहीं कर रहे हो? बहराम भाई, इस बैग की शक्ल देख के लग नहीं रहा कि ये आपका है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अक्की भाई का मतलब है ये बैग जो है ना वो बहुत घटिया है, आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं खा रहा। घटिया बैग मे भी हमें बेवकूफ बना रहा, और ये बैग इसका ना हो। अरे जिल्लत की मौत से इंतहाई जिल्लत की जिंदगी बेहतर है। ये बैग मेरा है, कागजात तुम लोगों ने कहीं फेंक दिए, वरना तुम देखते हर कागज पे मेरा नाम लिखा है। पूरे 15,000। हाँ, और ये पूरे 10,000 रुपए। अब मतलब कुल मिला के बने 30,000 रुपए। आपके पास अब हो गए पूरे 30,000 रुपए। क्या बंदा है भाई, हींग लगे ना फिट करी और रंग भी चौखा आए। तू क्या बंसारी की दुकान पे काम करता है? हींग लगे ना पटड़ी, दू तो ये पटड़ी। मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ बहराम भाई, कोई आपसे छीन ना ले। नहीं नहीं, मेरे कहने का मकसद आपको सी ऑफ करके आता हूँ। आइए आइए आइए। ओके बहराम भाई, वैसे देखें हम भी साफ शफाफ लोग हैं ना, वैसे आप अगली गली में जाके भी यही सब करेंगे क्या? यही के बैग गिरा देंगे, जो उठा के अपने घर ले जाएगा उसके घर में घुसेंगे और बोलेंगे इसमें बड़ी कीमती चीजें थी। अबे तेरा क्या ख्याल है, मैं कोई चोर या डाकू? ख्याल नहीं, यकीन है, वरना गन थोड़ी शरीफ लोगों के पास होती है। अबे पागल इंसान, मैं यहाँ डिफेंस में एक बड़े आदमी का बॉडीगार्ड हूँ। इस बैग में मेरे कपड़े, तनख्वाह और जरूरी कागजात थे। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ किसी बड़े आदमी का बॉडीगार्ड बन जाऊँ, फिर दूसरों के घरों में घुस के ना उनको भरम कराऊँ और लूटूं। देख बेटा, मेरी अमानत मुझे वापस मिल गई है, वरना मैं तो ये ठीक से बताता। हादू किद। क्या हो गया कि भाई, अम्मी के जुल्म इतने बढ़ गए हवा में लानतान? नहीं नहीं सईद मिर्ची, मैं तुम्हें ही लानते दिखा रहा हूँ। अच्छा, मेरे आने से पहले ही मुझे लानते दे रहे थे। हो ना तुम दुनिया के लानती तरीन इंसान। कोई नहीं कि भाई, मैं आपके गमों को समझता हूँ, बीवी और सास को छोड़े 2% का साला भी आपकी इज्जत नहीं करता। इस दफा राइटर ने तुम्हारे बड़े लंबे लंबे जुमले लिख दिए, पूरी रात लगा दी क्या खुर्रम भाई ने? अंदर चले अंदर। ए अम्मी ने मना किया कि सईद मिर्ची जैसे आवारा और लोफर लोगों घर में दाखिल ना होने दूं। लग रहा है आपकी हट गई है। और अब तुम मेरी नजरों से हट जाओ वरना। अक्की भाई, आज मेरी जेब भरी हुई है, सबको ट्रीट दूंगा। अरे कितना प्यारा लग रहा है सईद मिर्ची मेरे भाई। पपी अभी चले चल। स्वीट के बच्चे, आज के बाद अगर तुमने कोई चीज फर्श पे पड़ी उठाई तो इतने थप्पड़ मारूंगी कि मुंह पिचका दूंगी। अच्छा, और अगर जमीन पर 5,000 का नोट पड़ा हुआ मिला तो? तो उसे उठा के चुपके से जेब में रखना और ला के सीधा मेरे हाथ में देना। मैं उस 5,000 को आग लगा दूंगा, लेकिन आपको नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सलामुलेकुम। लो, एक भरम छोड़ा है और ये दूसरा उठा रहा है। आजकल मेरे भरम बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हाँ, रोज सुबह सारे शहर की लड़कियाँ इसके चेहरे पर लानत भेजती हैं। क्या है, क्या काम है, क्यों आए हो? अम्मी, सईद मिर्ची की जेबें आज भरी हुई है, वो हम पे लुटाने आया है। हैं, तो बेटा फिर जल्दी से फोन करके पिज्जा, कोरमा, निहारी सब कुछ ही मंगा लो, मीठे में भी कुछ मंगाना। अरे नो प्रॉब्लम आंटी, पैसा बहुत है, अभी फोन करता हूँ। लगता है तुमने अपने अब्बा के वॉलेट से पैसे चुराए, बल्कि पूरा वॉलेट ही चोरी कर लिया। अरे नहीं नहीं भाई, सुबह वॉक पे निकला था ना, मुझे एक बैग पड़ा मिला, उसके अंदर गंदे कपड़े थे और 20,000 रुपए साइड वाली जेब में पड़े हुए थे। अरे 20,000 रुपए निकाले, कुछ कागजात भी पड़े हुए थे, वो निकाल के डस्टबिन में डाले, बैग वहीं छोड़ा और तेरा भाई तेरे सामने। अरे वही तेरा फेंका हुआ बैग मैं अपने घर लेकर आया था, किसी बहराम खान का था, और वो बहराम खान हमसे 30,000 रुपए ले गया। 30,000 क्यों? अबे जो कागजात तूने डस्टबिन में फेंक दिए उसके पूरे 10,000 दिए हमने। देख क्या रहे हो, निकालो इसकी जेब से पैसे, कुछ तो रिकवरी हो। घर जमाई बना।